हाय गाइस, मैं आज एक डिसीजन लेने वाली हूँ रिलेटेड टू माय लाइक पर्सनल थिंग्स, और आपको ऑलरेडी थंबनेल देख के पता चली क्या होगा कि क्या है ये डिसीज़न एग्जैक्टली. गाइस, मैं ये स्टेप इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि ये मेरी पूरी फैमिली में, मेरे पूरे ख़ानदान में ऐसा किसी ने नहीं करा होगा. मैं कर रही हूँ, और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप. तो गाइस, आज फर्स्ट डे है तो मैं आज ही ट्राई करूँगी. सुबह अभी पता चला कि ऐसा आया, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट ही कर दूँ कि कब तक मैं डिले करूँगी, क्योंकि बहुत रिस्की है मेरे लिए. रिस्की नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है. लिटरली मुझे डर लग रहा है, ये सोच के भी मेरे पसीने छूट रहे हैं. और मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, और अगर मैंने किसी से पूछा घर में तो सब मना ही करेंगे, बोलेंगे क्यों ये सब, क्यों एक्सपेरिमेंट करना. एग्जैक्टली, मैंने ऑर्डर कर लिया था कि मुझे, मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे लेना ही लेना है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था ये. और कहाँ से ऑर्डर किया उसके लिंक मैं ऑलरेडी डाल दूँगी आपको, आप वहाँ से ले सकते हो. और मैंने ऑर्डर किया है लार्ज साइज़, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सी साइज़ फिट आएगी, तो मैंने लार्ज ही ऑर्डर किया है. अब यूज़ करना है आज तो फ़िलहाल मैं रात में यूज़ करूँगी. रात में क्या, ऑफिस से आने के बाद मैं अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी. और मैंने स्टेप क्यों लिया ये, एक तो मैं सूरत में रहती हूँ और सूरत क्लीननेस में फर्स्ट रैंक पे आया है इस साल 2024 में. तो इस मैं एक अपने साइड से कुछ देना चाहती हूँ, ताकि लाइक कुछ करना है. तो मुझे लगा कि क्या स्टेप करूँ, क्या ऐसा कुछ करूँ जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए सेफ हो. अगर मैंने एक स्टेप उठाया, मेरी वीडियो देख के आप उठाओगे, फिर आप किसी से शेयर करोगे, वो उठाएंगे. तो इसलिए मैंने उठाया कि चलो एक बार देखते हैं कैसे यूज़ करना है. कुछ ये सारे कुछ ऑलरेडी बॉक्सेस में मेंशन है, बट आपको अगर लगे कि नहीं आ रहा, फिर मैं ऑलरेडी लाइव बताऊंगी. और मैं स्विमिंग क्लास भी जाती हूँ, उसमें भी मेरे 7 डेज़ की पीरियड होते हैं. एटलीस्ट मैं 7 डेज़ थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है. तो फर्स्ट 2 डेज़ या 3 डेज़ में नहीं गई, अवॉइड किया, क्योंकि नहीं जाना चाहिए तो फिर ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 3rd day या 4th day से स्टार्ट करूँ, ताकि मेरी स्विमिंग क्लास भी मिस ना हो. काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाता है स्विमिंग क्लास मेरा, लाइक 7 डे फिर 2 संडे आते हैं, तो पूरे पैसे ऑलमोस्ट वेस्ट ही जाते हैं. तो मैंने सोचा चलो एक बार ये ट्राई करें, इसलिए ये भी एक रीज़न है. प्लस मैं जिधर से जाती हूँ ना ऑफिस, उधर एक कचड़े वाला जगह है जहाँ गाय भी आती है, और वहाँ पे बहुत सारे पैट्स होते हैं गाइस. तो मुझे वो देख के ना, मुझे लगा कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही आ रहा है. तो एक साइड से अगर मैं स्टेप उठाऊं, फिर आप उठाओ, फिर और 2 लोग उठाए, मतलब मेरे अगर आपने कुछ करा है तो आपको ही भरना पड़ेगा. ये वाला लाइक जो बोलते हैं वो सही होता है. तो मुझे लगा कि नहीं भाई, एक बार ये करना चाहिए. और ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, ऐसा माइंड में है कि इससे रिलेटेड कोई शेयर नहीं करता, कुछ बातें नहीं करती है. मैंने पूरी सर्च करी कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, तो वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और इवन मैंने अभी किसी से पूछा नहीं है, सजेशन नहीं लिया है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैंने गूगल में ही सर्च करा, मैंने 1-2 लोगों की यूट्यूब वीडियो देखी, फिर लगा कि नहीं यार ये लोग कर सकते हैं तो क्यों, ऐसा कुछ तो है नहीं. तो मैं आज ऑफिस जाऊंगी तो देखती हूँ मैं इसे यूज़ करके, और फिर क्या होता है वो बताऊँ. और गाइस, हमारी फैमिली इतनी ओपन नहीं है कि इस सब के बारे में डिस्कस करे और बोले. मैंने अगर मम्मी से पूछा तो मम्मी का रिएक्शन होगा क्यों ऐसे कर रही हो. तो फिर मुझे लगा कि मैं उठाती हूँ स्टेप, अगर सही होगा तो मैं अपनी फैमिली में और लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि हमारी फैमिली के साइड से एक यूनिवर्स को, एक वर्ल्ड को कुछ ना कुछ स्टेप जाए. मुझे लग रहा है कि अगर ये वीडियो देख के 10 लोगों ने भी करा ना, तो मेरी वीडियो बनाने का जो मोटो है वो सफल हो जाएगा. तो आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मैं एक बार यूज़ करती हूँ. और थोड़ा डर लग रहा है, मैं सोच रही हूँ ऑफिस से आके करूँ धीरे धीरे. अचानक मैं इतने इसमें नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ अगर लीकेज हो गई तो
बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, और मैंने तो बहुत सारी सर्च करी है, देखा है, बट फिर भी थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं ऑफिस से आने के बाद ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ बताऊँगी कैसे। हाय गाइस, फाइनली मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, वो भी ये है लाइव टेस्टिंग। तो मैं निकाल रही हूँ, ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखी है, कैसे वॉश किया वो आपको दिखा दूँगी साइड में। नॉर्मली ये आता है कॉटन एक छोटे से पैकेट में, और एक प्लास्टिक भी होता है, और ये रहा कलर। फोर तरीके से आप इसे फोल्ड करके इंसर्ट कर सकते हो, एक स्टी फोल्ड, एक पंच डाउन फोल्ड, एक ट्रायंगुलर फोल्ड है, एक है सेवन फोल्ड। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हो, इजी टू यूज़ है। और आगे मैं बताती हूँ, और यूट्यूब किया तो मुझे जो दिखा वो मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही रिस्की है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरा है सेकेंड डे, मैं सोची पर ट्राई करूँ, और कल मैं इसे लगा के जाऊँगी स्विमिंग पूल, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं एक एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो भी माइंड में मेरे क्वेश्चन चल रहा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जहाँ तक होगा मैं गूगल करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे ये तो पता है कि इसे प्रेस करना और फिर इंसर्ट करना है, तो अंदर जाते ही ये ऐसे आवाज़ कर गए ऐसा, अगर ये ओपन हो गया तो समझो कि प्रॉपर इंसर्ट हो गया, और जब इसे निकालना है तो यहाँ से प्रेस करना है, इस पार्ट से इसे, ये जो है ना, इसे प्रेस करना है, फिर करना है, तो एयर जो है ना वो निकल जाएगा और ये ईजली। गाइस, एक पोजीशन ये है, आप पैर ऊपर रखो और एक पैर नीचे, और आप इसे इंसर्ट करो, ईजली चला जाएगा। और दूसरा पोजिशन है ये कि आप बैठ जाओ इस पोजीशन में, नहीं दिख रहा है ना, लाइक आपको कौन सा पोजीशन में बैठना है, मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ, और फिर इंसर्ट करो। दो पोजीशन मुझे पता चले जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि मैं फाइनली, अब मैं इसे इंसर्ट करने जा रही हूँ, और देखते हैं मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ या नहीं, क्योंकि लिटरली मैं बहुत स्कर्ड हूँ। और मैं करूँगी लाइव टेस्टिंग, और आपको बताऊँगी कि ये बेसिकली बताऊँगी ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, अगर ये प्रॉपर इंसर्ट हो गया और फिट बैठ गया, एक्स्ट्रा ब्लड बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही जाएगा अगर ऐसी आवाज़ आ जाती है तो चलो फिर गाइस चेक कर लिया है, मेरा पूरा हाथ और फ्लोर ब्लड ब्लड हो गया है, बट मैं एक एक्स्ट्रा पैड लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो ना हो। पूरा मेरा हाथ ब्लडी हो गया, आप देख सकते हो, बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैड लगाया, और आज का पूरा दिन और कल जाना मुझे स्विमिंग, वो सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज डे टू है, आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसे भी डे थ्री के बाद ही हेड वॉश करना चाहिए, तो मैं कल ही जाऊंगी और फिर हेड वॉश करूंगी, तो और सारा एक्सपीरियंस मैं लास्ट में शेयर करूंगी। हेलो गाइस, इट्स डे थ्री, बट उससे पहले मैंने सोचा मैं क्यों ना पेट पूजा कर लूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने ऑर्डर किया सैंडविच, और मैंने सोचा मैं बता दूं कि मैं आ गई हूँ, बट बहुत भूख लगी है। पहले हैव सम फूड, देन ऑर्डर किया, मैं दिखाती हूँ। गाइस, क्या आप उन लोगों में से हो जो अभी भी कपड़ों पे खाना गिराता है, इतनी गधी हो के भी? देखो मैंने क्या किया, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, सैंडविच मेरे ऊपर गिर गया। अमायरे की याद आ रही है सैंडविच खाते हुए, अगर वो देखेगी ना मेरी बैन बजाने वाली है। हेलो, फाइनली पेट पूजा हो गया, और अब मैं करने जा रही हूँ स्विमिंग, जिसकी चैलेंज लगी, और मेरे कपड़े देख रहे हो ना, पूरा कपड़ा ही गंदा कर दिया। मैं मायरा को बोलती हूँ, आज मैंने खुद ही इतनी गंद मचाई है, तो मैं जाती हूँ। ऑलरेडी 7 o'clock हो चुका है, लेट भी हूँ, और बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो मैं मिलती हूँ बाद में। बाय बाय। All set to go guys। पानी ठंडा होता है फिलहाल, मैं यहाँ से शावर ले रही हूँ, इसके बाद जाऊँगी। तो पूल में ठंडा ठंडा पानी है, ठंडा पानी है थोड़ा। अब मैं फ़ोन सर को दे देती हूँ, सर वहाँ बैठे टेबल पे, और मैं
गाइस परफेक्ट रहा स्विमिंग, बहुत इजी था करना, मुझे मजा आ गई, आप प्लीज इसे यूज करना, हाईली रिकमेंडेशन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि इस वीडियो का मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। और स्टार्टिंग आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने किस रीजन से पैड से मेंस्ट्रुएशन कप में अब खुद को कन्वर्ट किया, ये भी आपने देख लिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज नॉर्मली सबको पता है, मैंने बहुत लेट यूज़ किया बट एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबको पता है। पहला, इको फ्रेंडली है, दूसरा आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो, और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप काफ़ी लाइक आप पूरे दिन में मैं फोर पैड यूज़ करती हूँ और एक कप में मेरा काम चलेगा, तो इन शॉर्ट आप मनी सेव कर सकते हो। और यही, और डिसएडवांटेज है कि लाइक बार बार उसे टच, तो डिसएडवांटेज मुझे क्या लगा जो मैंने फेस किया कि हार्ड टू फाइंड इंसर्ट, कैसे इसे इंसर्ट करना, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्टीज हुई। और दूसरा उसे बार बार निकालना और डालना, और वो थोड़ा अनटाइडी सा हो रहा है। बस यही मुझे दो डिसएडवांटेज लगा और सारा एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि यूज़ करना चाहिए तो प्लीज़ 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 यूज़ करो। मैं प्रॉपरली स्विमिंग कर पा रही हूँ, मैं वॉक कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, लाइक ऑफिस में भी मुझे कंफर्टेबल ही हुआ। तो इन शॉर्ट मेरे साइड से 2000% रिकमेंडेशन है। अगर मुझे देख के 10 लेडीज़ या 10 फीमेल ने यूज़ किया तो उसके लिए एकदम मेरा वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। और एक और चीज़, एक दो क्वेश्चन मेरे गाइस एक दो और क्वेश्चन मेरे माइंड में था, क्या ये टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं? ये अगर आपको यूज़ करना है तो अपने गायनिक के पास जाओ और कंसल्ट करो कि ये अभी के एज के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। परफेक्ट है वही सजेस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। इससे पहले एक पॉइंट और, यूज़ करने से पहले इसे बॉयल करना ही करना है। दूसरा पॉइंट, आफ्टर यूज़ इसे फिर से बॉयल करके ड्राई क्लोथ से आपको इसे क्लीन करना है, और फिर जो कॉटन पाउच दे रखा है और जो बॉक्स दे रखा है उसमें आप डाल के रख सकते हो। और दूसरा, इसके लिए अगर आप घर में किचन में ले जाके इसे स्टरलाइज नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए परफेक्ट है, अमेजोन पे स्टरलाइजर भी मिल रहा है तो आप उसमें भी स्टरलाइज कर सकते हो। तो कोई और टेंशन नहीं है, यूज़ करो और फ्री पीरियड्स बनाओ और यूनिवर्स को भी सेफ रखो। ओके, तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई क्वेश्चन हो पर्सनल तो आप मैसेज कर सकते हो, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर गाइज़।